आते हैं सर 194R में। अब ये 194R की जब बात होती है ना, जबरदस्त है 194R, जबरदस्त है। मई 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है सर 194R का, अभी भी मेरे को लगता है आ सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लैरिफिकेशन आया है सर, बहुत जबरदस्त क्लैरिफिकेशन आया सर्कुलर के थ्रू। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया, बहुत सारे केसेस बताए सर। तो इतने सारे केसेस होने के कारण, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ पूरे केसेस आ चुके हैं, एक केस आया है अभी इनमें से, सीए वालों के में भी क्लैरिफिकेशन दिए, सीएमए वालों में भी क्लैरिफिकेशन दिए, एक केस आ चुका है और बाकी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सर ध्यान दो, अच्छे इश्यूज है, अच्छे मैटर है, मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए ध्यान रखने वाली बात है। पहले देखो सर 194R, अगर आपको याद हो 194R तो हमने क्या बोला था सर, इट मैंडेट्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट टू अ रेसिडेंट। सर कोई किसी को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे किसी रेसिडेंट को, तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू बिफोर प्रोवाइडिंग। सर बिफोर प्रोवाइडिंग सर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, उसको प्रोवाइड करने के पहले 10% टीडीएस काटना पड़ता था, चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो कैसे भी हो, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट मे और मे नॉट बी कन्वर्टेबल इन टू मनी बट शुड अराइज आइदर फ्रॉम द कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तो आपका टीडीएस की बात आती थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था सर, जो वैल्यू है अगर 20,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करती, वैल्यू या एग्रीगेटिव ऑफ वैल्यू 20,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करती, तो उस केस में 194R में टीडीएस डिडक्ट करने की बात नहीं होती थी। ये हम पहले भी पढ़े हैं, ये हम पहले भी पढ़े हैं सर, ऐसा नहीं है ये हम नहीं पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। यहां तक तो हर एक स्टूडेंट पढ़ा है सर, हर एक स्टूडेंट यहां तक पढ़ा है सर। तो इसके बाद जो कहानी हुई है ना सर, ये भी पहले से हम पढ़ चुके हैं कि सर ऐसा कोई इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है और सर प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा नहीं है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी हम पढ़े सर। बट देखो सर, सीबीडीटी ने डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं। अब क्या गाइडलाइंस इशू किए हैं आराम से देखते हैं सर, क्या क्या गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सर क्या क्या है। क्वेश्चन 1 देखो, इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ परक्विजिट नीड टू चेक इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 क्या था, सेक्शन 28 पीजीवीपी का चार्जिंग सेक्शन है सर, बिफोर डिडक्टिंग टैक्स अंडर 194R। ये बोल रहे हैं जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है, तो आपने तो बोला सर बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तो सर जब वो बिजनेस और प्रोफेशन से हम चेक करने जाते हैं रिलेटेड है कि नहीं, तो क्या सेक्शन 28 पहले चेक करें? इन्होंने बोला नो सर, ऐसा कुछ नहीं है सर कि वो सेक्शन 28 में ही कवर हो सकता है वो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में कवर हो जाए। डीम्ड प्रॉफिट याद है ना सर, डीम्ड इनकम सर, सेक्शन 41 डीम्ड इनकम। तो ये बोले देखो क्या, द डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द अमाउंट ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दैट इज प्रोवाइडिंग वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4। The amount would be taxable. देखो, the amount could be taxable under any other sections like. ये example भी दे रहे हैं सर, हो सकता है दूसरे section में taxable हो जाए। Section 194R casts an obligation on the person responsible for providing any benefit or perquisite to a resident to deduct tax at the source of at the rate of 10%. There is no further requirement. कोई further requirement नहीं है to check whether the amount is taxable in the hands of recipient or under which section it is taxable. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किस सेक्शन में वो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल है। अगर आपने उसको बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया तो आपको टीडीएस 194R में काटना है, मींस काटना है। वो जो सामने वाले की इनकम है वो कहां टैक्सेबल हो रही है उससे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आया? ये पहला था। क्वेश्चन 2 देखो, इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194 टू ऑपरेट? नो सर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर। इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो देखो, इन्होंने फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 194(1) से क्लियर किया, क्लियरली इंडिकेट्स द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेटर दैट देयर कुड बी आल्सो सिचुएशन वेयर द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन कैश और द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन काइंड, पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, चाहे जो भी हो जाए। इन्होंने बोला सेक्शन 194 क्लियरली ब्रिंग्स इन द स्कोप the situation where the benefit or perquisite is in cash or in kind, partly in cash partly in kind। इन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता कैश में हो काइंड में हो, आधा कैश हो आधा काइंड हो, इन्होंने बोला 194 का इंप्लीकेशन होगा। ये बात समझ आई?
आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194R वेयर द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट। इन्होंने बोला सर अगर कोई किसी को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है, बट वो जो बेनिफिट और परक्विजिट सामने वाले को हम दे रहे हैं वो एक कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट मतलब गोल्ड दे दिए सामने वाले को। आप समझो सर कोई अच्छा काम किया हम उसे गोल्ड दे दिए, तो बात ये हो रही है सर क्या अब 194R का इंप्लीकेशन आएगा कि नहीं आएगा। देखो, as has been stated in answer to question number 1, there is no requirement to check whether the perquisite or benefit is taxable in the hands of recipient and the section under which it is taxable. आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि recipient के हाथ में किस head में taxable है, कौन सी income है। The asset given as benefit or perquisite may be a capital asset in general sense of the term like car, land, etc. But in the hands of recipient, it is benefit or perquisite and hence has accordingly been held to be taxable. इन्होंने बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ता आप वो उसके हाथ में कैपिटल एसेट है कि नहीं, अगर आपने बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन एनी केस द डिडक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक, नॉट रिक्वायर्ड टू चेक इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। है कि नहीं टैक्सेबल इससे भी मतलब नहीं है, अगर आपने बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया चुपचाप टैक्स लगा दो सर, टीडीएस काट दो सर 194R में। थस the deductor is required to deduct tax under section 194R in all cases where benefit of perquisite of whatever nature is provided. Koi bhi nature ka ho koi farak nahi padta, aapko TDS kaatna hai, theek hai। aage dekho kuch khaas baatein hai sir, exam mein aane ke bahut scope hai in sabke। if the loan settlement ya waiver by a bank is to be treated as benefit perquisite, it will lead to an hardship as the bank would need to incur the additional cost of tax deduction in addition to the haircut that he has taken, will section 194 apply in such a situation? आराम से समझो। ये क्या बोल रहे हैं? अगर बैंक वाले ने सामने किसी पार्टी का, किसी कस्टमर का सर लोन को वेव कर दिया है या लोन का सेटलमेंट कर दिया है, तो आपने सामने वाले को बेनिफिट प्रोवाइड किया है क्योंकि भाई उसका पैसा देने का बनता था, आपने उसको क्या बोला जा यार हम तेरे से पैसे नहीं लेते, आपने वेव कर दिया, तो ये वेव उसके लिए बेनिफिट है सर, चाहे कैश में हो काइंड में हो बेनिफिट है। तो बेनिफिट ये जो बैंक सामने वाली पार्टी को प्रोवाइड कर रहा है, तो इस बेनिफिट पे क्या बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना है कि नहीं करना है ये पूछा जा रहा है। देखो, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल लोन वेव बाय द बैंक अंडर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वुड कंस्टिट्यूट इनकम फॉलोइंग अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑफ बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। However, यहां से काम कर, it has been clarified with circular this that one time loan settlement with the borrower or waiver of the loan granted on reaching settlement with the borrower by the following would not be subjected to TDS, लिखा हुआ है सर, मतलब banks one time settle कर रहे हैं, loan waive कर रहे हैं, तो इन सब cases में TDS 194R का एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन, ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। बाकी तो ये बैंक्स वगैरह के नाम दिए हुए हैं, सिंपल है, समझ आया। आगे देखते हैं, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। भाई जो सामने वाले को आपने बेनिफिट या परक्विजिट दिया है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी? सरकार ने बोला भैया इसमें क्या सोचने वाली बात है, ये मार्केट वैल्यू ले लेंगे। एक आदमी ने बोला भैया नहीं, जो हम सामने वाले को बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता नहीं चल सकती। सरकार बोली कोई बात नहीं, फिर हम ये चेक करेंगे सर कि आपने जो आदमी, जैसे मान लो वर्धमान सर, ध्यान से समझना, वर्धमान सर मिस्टर एक्स उसको वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहला केस तो सिंपल ये है फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले पा रहे हो तो सर उस केस में सरकार बोलेगी क्या वो बेनिफिट या परक्विजिट जो वर्धमान सर एक्स को देने वाले हैं वो वर्धमान सर कहीं से परचेस करके लाए हैं? अगर मैं परचेस करके लाया हूं, ध्यान दो, अगर मैं परचेस करके लाया हूं तो सरकार बोलती है परचेस प्राइस ले लेंगे भाई। अब मान लो वर्धमान सर, ठीक है, देखो ध्यान दो, द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडर मैन्युफैक्चर सच आइटम, वर्धमान सर कहीं से खरीद के नहीं लाए हैं, वर्धमान सर खुद बनाते हैं, तो सरकार बोलती है देखो तुम खुद बनाते हो तो कल के दिन चलो ठीक है तुमने मिस्टर एक्स को बेनिफिट या परक्विजिट दिया, एक्स के अलावा वाई को क्या तुम बेचते हो?
मैं बोला हाँ मैं तो वाई को बेचता हूँ। तो सरकार बोली वर्धमान सर जो प्राइस चार्ज करते हैं अपने कस्टमर को वो वैल्यू ले ली जाएगी, वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। समझ आया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है आगे देखो। इट हैज बीन फर्दर क्लैरिफाइड दैट जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। सर होना भी नहीं चाहिए, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस कभी नहीं होता है, होता ही नहीं है। अच्छा वो लिख भी दिया बट होता भी नहीं है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो। मेनी अ टाइम्स, देखो ये ही तो एग्जाम में आया था सर। मेनी अ टाइम्स अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज गिवन अ प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सो दैट ही कैन यूज द प्रोडक्ट एंड मेक ऑडियो वीडियो टू स्पीक अबाउट द प्रोडक्ट इन सोशल मीडिया। कर ही रहे हैं, पेड प्रमोशन आप लोग जानते हो इंस्टाग्राम में हो रहा है, कहाँ नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, फेसबुक में करते हैं, स्नैप में करते हैं, यूट्यूब में करते हैं, शॉर्ट्स में करते हैं, हर जगह तो कर रहे हैं। इन दिस प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट गिवन टू द सच इन्फ्लुएंसर अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। जो आप इन्फ्लुएंसर को वो प्रोडक्ट दे रहे हो क्या वो बेनिफिट परक्विजिट कहलाएगा, ये डिपेंड करेगा। देखो ये लिखा है इन्होंने डिपेंड करता है। डिपेंड किस चीज पे करता है पता है? जिसको मैंने पेड प्रमोशन के लिए दिया है, क्या वो आदमी, ध्यान से सुनना, क्या वो आदमी उस चीज का, क्या वो आदमी वो चीज रख लेगा या मुझे वापस करेगा। मान लो वर्धमान सर, ध्यान देना, वर्धमान सर मिस्टर एक्स को अपनी बुक प्रमोट करने के लिए दिए, ले भाई मेरी टैक्स की बुक प्रमोट कर दे, क्या वो टैक्स की बुक मिस्टर एक्स रख लेगा या मुझे रिटर्न करेगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो रख लेगा तो सेक्शन 194 का इंप्लीकेशन आ जाएगा, और अगर वो मुझे रिटर्न कर देगा तो सेक्शन 194 का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। ध्यान दो सर, आ गया यार मैं। देखो इन केस ऑफ अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट बीइंग अ प्रोडक्ट लाइक कार, मोबाइल, आउटफिट, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीजें होती है। इफ द प्रोडक्ट इज रिटर्न आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। रिटर्न होना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटेन्ड है, सामने वाला प्रोडक्ट आपका रख लिया है, तो सरकार बोलती है भैया फिर ये बेनिफिट ऑफ परक्विजिट और इस पे टीडीएस 194 आर का एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। आओ क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है सर, सेक्शन 194 आर प्रोवाइड्स दैट इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन द काइंड और पार्टली इन काइंड एंड कैश इज नॉट सफिशियंट टू मीट द टीडीएस। सिंपल सी बात है, हमने किसी को बेनिफिट या परक्विजिट दिया, वो पार्टली इन काइंड है या तो पूरा ही काइंड में है, तो सर टीडीएस काटने के लिए तो कैश होना चाहिए ना सर। देखो मैं किसी को, ध्यान से सुनना, मैं किसी को एप्पल का मोबाइल दे दिया 1,00,000 रुपए का। अब अगर मैं किसी को बेनिफिट परक्विजिट एप्पल का मोबाइल 1,00,000 रुपए का दे रहा हूँ, तो सर बात यह है कि सर मेरे को इसमें 10% टीडीएस काटना है, तो 10% टीडीएस मतलब 10,000 टीडीएस तो काटना है ना। अब मैं उसको फोन दे रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा भाई मेरे को टीडीएस काटना था तो तेरे फोन का ना एक काम करता हूँ, तेरे फोन का चार्जर, ईयरपॉड और जो भी चीजें वो सब मैं रख लेता हूँ, तो मैं देखो फोन के साथ एक्स्ट्रा चीजें दिया था जिसके कारण टोटल 1,00,000 रुपए हुआ था, तो 10,000 रुपए मेरा रिकवर हो जाएगा, मैं गवर्नमेंट को टीडीएस दे दूंगा। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना मैं किसी को, ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो बात यही आ रही है सर कि आपके पास इतना कैश ही नहीं है कि आप 194 आर का टीडीएस पे कर पाओ। देन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर, उसको रिक्वायर्ड है टू इंश्योर दैट द टैक्स रिक्वायर्ड इज टू बी डिडक्टेड एंड हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। हाउ सच पर्सन बी सैटिस्फाइड दैट टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड, हाउ कैन सच पर्सन बी सैटिस्फाइड। अब समझो, ध्यान से सुनना, वर्धमान सर ने मिस्टर एक्स को आईफोन दिया, ठीक है, आईफोन दिया 1,00,000 का दिया। अब बात यह, आईफोन जब 1,00,000 का दिए वर्धमान सर, तो बात यह कि बेनिफिट ऑफ परक्विजिट टीडीएस काटना है सर 10% टीडीएस। अब बात यह 10% टीडीएस मतलब 10,000। अब बात यह हो रही है, ये 10, पहला क्वेश्चन, ये 10,000 कैसे होगा, ये 10,000 कहां से आएगा, क्योंकि वर्धमान सर का तो बैंक, वर्धमान सर का तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है ना 10,000, तो ये 10,000 आएगा कहां से, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, मिस्टर एक्स कैसे इंश्योर करेगा कि वर्धमान सर ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिए। दो क्वेश्चन की बातें किया सर, एक वर्धमान सर के पास 10,000 कहां से आएगा टीडीएस के लिए डिपॉजिट करने के लिए, दूसरा मिस्टर एक्स अपने आप को इंश्योर कैसे करेगा कि ये 10,000 गवर्नमेंट को जमा हो गया। ये दो क्वेश्चन है सर इसमें, ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या है आंसर। ध्यान देना सर,
The requirement of the law is that if a person is providing benefit in kind to a recipient and the tax is required to be deducted under Section 194R, the person is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid by the recipient. Such recipient would pay tax in the form of advance tax. The tax deductor may rely on a declaration along with a copy of the advance tax payment challan provided by the recipient, confirming that the tax required to be deducted to the benefit of perquisite has been deposited. क्या बोलना चाह रहा है सर? अब देखो, the person is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid by the recipient. Recipient pay किया है, और such recipient किस form में pay करेगा? In the form of advance tax. वो advance tax के form में pay करेगा. अब देखो हुआ क्या? ध्यान से सुनना. मेरे वाले example में Mr. X जो है, ये जो 10,000 मेरे को, भाई मेरे पास तो 10,000 नहीं है ना, मैंने तो उसको आईफोन दे दिया ना, काइंड में दे दिया, तो मुझे तो 10,000 का टीडीएस जमा करना है. तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, वर्धमान सर को 10,000 रुपए एज एन एडवांस टैक्स पैसा देगा और वर्धमान सर इसको जमा कर देंगे. यही तो लिखा है ना, ये देखो, सच रिसिपिएंट वुड पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स. द टैक्स डिडक्टर मैं may rely on the declaration along with the copy of the advance tax payment challan provided by the recipient, confirming that the tax required to be deducted on the benefit perquisite has been deposited. Wo as a advance tax 10,000 rupees deposit karega challan wagera ke through, aur wo mujhe proof dega ki dekh bhai, ab wo 10,000 rupees iPhone to tu mujhe de diya tha. Ab question ye tha ki 10,000 dena hai, to ek kaam karta hu, is iPhone pe 10,000 jo hai na, main jaake advance tax jama kar deta hu. Theek hai, aage dekhna. This would be then required to be reported in the TDS return with the challan number and the this year form 26Q has been provided including with such transactions. ये clerical मतलब office से related बात है. जब आप office में काम करोगे तो ये काम आएगा sir. ठीक है, कि form 26Q में ये provision को include किया for reporting purpose. आया समझ? In the alternative, as an option to remove difficulty if any, the benefit provider may deduct the tax under section 194R and pay to the government. गवर्नमेंट बोलती है भाई सुनो, अगर मिस्टर एक्स नहीं करता, टीडीएस पे नहीं करता, 10,000 रुपए एडवांस टैक्स के फॉर्म में जमा नहीं कराता, तो वर्धमान सर भी खुद जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं टीडीएस, अपने जेब से 10,000 देके डिपॉजिट करवा सकते हैं. द टैक्स शुड बी डिपॉजिटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द टैक्स हैज बीन पेड बाय हिम एज टीडीएस इज ऑल्सो बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R इन द फॉर्म 26Q. आया समझ? सिंपल. आगे देख लो, कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी, ठीक है, and the deducted tax on its benefit under section 194R. Company A gifts a car to its dealer B. Gift kiye car aur us pe TDS kaat diye. Dealer B uses this car in his business. Will he get deduction for depreciation in calculating his income under the head PGEP? Aapse ye pucha ja raha hai sir ki usko jo car mili hai gift mein, car jo gift mein mili hai, इस गिफ्ट वाली कार पे क्या वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन अराइज ही क्यों होता है? ये क्वेश्चन इसलिए अराइज होता है सर क्योंकि उसको गिफ्ट में कार मिली है, तो उसकी वैल्यू जो है ना, उस वैल्यू पे क्वेश्चन है कि वैल्यू कहां से आएगी, किस वैल्यू पे वो डेप्रिसिएशन लेगा. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दिस सर्कुलर दैट वंस अ कंपनी ए हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन गिफ्टिंग ऑफ कार इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 194R और रिलीज द कार आफ्टर डीलर बी शोड हिम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सच बेनिफिट and dealer B has included this benefit as income in his income tax return, it would be deemed that the actual cost of the car for the purpose of section 32 shall be the amount of benefit included by dealer B as income in his income tax return. Simple si baat hai, jitne value ki car wo apni return file karte time balance sheet mein as an asset dikhayega, उतने ही वैल्यू पे वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है. हेंस डीलर बी कैन गेट डेप्रिसिएशन ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन. ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है. सेक्शन 194R वुड कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022. इट प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द वैल्यू और द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड और इज लाइकली टू बी प्रोवाइडेड टू अ रेसिडेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 20,000. It is not clear how the limit of 20,000 is to be computed for the financial year 22-23. Sir, November वाले के लिए तो बेहद काम का है सर, बेहद काम का है कि ये 20,000 के लिमिट, भाई ये देखो, ये प्रोविजन आया 1 जुलाई 2022 को, तो बात ये है कि सर ये जो 20,000 के लिमिट देखना है ये कब से देखना है?
फर्स्ट जुलाई से देखना है कि जब सर प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट अप्रैल से देखना है. तो इन्होंने देखो यही चीज क्लैरिफाई किया. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 20,000 इज इन विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर. पहली चीज इंपॉर्टेंट, ये 20,000 फुल ईयर का है. पहली चीज तो ये समझ लो ये 20,000 फुल ईयर का है. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ द बेनिफिट ऑफ पर्किसिप ट्रिगरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 आर हैज टू बी काउंटेड फ्रॉम 1st अप्रैल 2022. एग्जाम में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है. Hence, if the value of the aggregate of value of the benefit of perquisite provided or likely to be provided to a resident exceed 20,000 during the financial year 2023, including the period up to 30 June. Including the period इसलिए बोला सर क्योंकि ये 1st जुलाई से तो ये प्रोविजन आया है. तो सर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक भी अगर कोई बेनिफिट ऑफ पर्किसिट प्रोवाइड किया गया है तो उसको भी 20,000 की लिमिट में इंक्लूड करेंगे. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 आर शैल अप्लाई ऑन द बेनिफिट ऑफ पर्किसिट प्रोवाइडेड ऑन एंड आफ्टर 1st जुलाई 2022. द बेनिफिट ऑफ पर्किसिट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन और बिफोर 30 जून वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स डिडक्शन अंडर 194 आर. अब बड़ी मजेदार बात है, इन्होंने बोला सर 20,000 की लिमिट के लिए हम पूरा 1st अप्रैल से देखेंगे, ठीक है. बट सर जब बात आएगी टीडीएस डिडक्ट करने की तो डिडक्ट तो हम सर उसके बाद जो 30 जून के बाद ही जो बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है उसी वैल्यू पे हम क्या करेंगे टीडीएस काटेंगे. दो बातें सर ध्यान दो, जब हम बात कर रहे हैं 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए तो वो हम कब से काउंट करेंगे 1st अप्रैल 2022 से. क्लियर है सबको, एकदम क्लियर, ठीक है. The provision of section 194R shall apply on any benefit or perquisite provided on and after 1st July 2022. Section 194R तो तभी applicable होगा जब 1st July के बाद अगर कोई benefit या perquisite provide किया गया है. तो समझो सर, मान लो 1 अप्रैल 2022 से लेके 30/6/2022 ठीक तक मान लो 15,000 का benefit या perquisite दे दिया गया. उसके बाद सर मान लो 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक मान लो 15,000 का और बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइड किया गया. सरकार बोलती है भैया इस केस में आप देखेंगे तो टोटल मिला के कितना हो गया 30,000. तो 20,000 की लिमिट से ज्यादा एक्सीड हो गया. अब जो 20,000 से ज्यादा की लिमिट एक्सीड हो गई उस पे हम 194R एप्लीकेबल कर देंगे. पर ये 194R एप्लीकेबल किस टाइम पीरियड में करेंगे सर पता है, 1st अगस्त से लेके 31st मार्च तक के बीच में जो बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड किया गया है उसी पे 194R एप्लीकेबल करेंगे. मतलब ये प्रैक्टिकली ये बोलना चाह रहे हैं सर ये जो 15,000 है जो आपने 15,000 का इस टाइम प्रोवाइड किया है इस 15,000 में से, ठीक है, इस 15,000 में से ही टीडीएस आएगा 194R में. यही तो बोले ना सर देखो द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट व्हिच आर प्रोवाइडेड ऑन और बिफोर 30 जून 2022 वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू टैक्स डिडक्शन. तो टैक्स डिडक्शन की बात तो किस में आ जाएगी सर, ये 15,000 वाले में ही आएगी. आई बात समझ, इसमें नहीं आएगी टीडीएस की बात. बट जब लिमिट के लिए देखना है तो दोनों को देखेंगे. समझ आया, लिमिट चेक करने के लिए दोनों को देखेंगे, टीडीएस काटने के लिए 1 जुलाई से देखेंगे, ठीक है. ध्यान रखना सर, ठीक है, अच्छा पॉइंट है. मेरे को लगता है एग्जाम में आने के चांसेस है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना सर, ये अच्छा पॉइंट है, मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है. अगला देखो, वेदर इशू ऑफ बोनस शेयर राइट शेयर इज अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इफ इशूड बाय अ कंपनी इन विद द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. मतलब पब्लिक कंपनी की बात हो रही है. वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194R. इन्होंने ये पूछा सर क्या बेनिफिट ऑफ परक्विजिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस बेनिफिट या परक्विजिट पे जो बोनस शेयर और राइट शेयर के फॉर्म पे है क्या इस पे 194R का टीडीएस का इंप्लीकेशन है कि नहीं है. तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन केस ऑफ अ बोनस शेयर व्हिच आर इशू टू ऑल द शेयर होल्डर बाय कंपनी इन विद द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट इट डज नॉट result in any benefit to the shareholder as the overall value and the ownership of their shareholding does not change. लो भाई बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं लोग. ये जो आप बोनस शेयर शेयर होल्डर्स को देते हो इससे शेयर होल्डर्स की खुद की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है सर, ठीक है.
ठीक है वही बोल रहे हैं सर, डज नॉट रिजल्ट इन एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एज द ओवरऑल वैल्यू एंड द ओनरशिप ऑफ देयर होल्डिंग डज नॉट चेंज. फर्दर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज टेकन एज निल, कैपिटल गेन में अपन निल लेते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग व्हेन द शेयर इज सोल्ड. सिमिलरली रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड सीकिंग क्लैरिटी ऑन इशू ऑफ राइट शेयर. देखो बोनस शेयर से रिलेटेड इन्होंने क्लैरिफाई किया कि भैया देखो 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं है. अब बात आ रही है राइट शेयर के केस में, तो इन्होंने बोला देखो इट हैज बीन क्लैरिफाइड विद सर्कुलर नंबर दिस 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 दैट द टैक्स अंडर 194 इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द इशू ऑफ बोनस और राइट शेयर बाय द कंपनी इन विद द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड वेयर द बोनस शेयर आर इशू टू ऑल द शेयर होल्डर बाय सच अ कंपनी और द राइट शेयर आर ऑफर टू द ऑल द शेयर होल्डर बाय सच अ कंपनी एज द केस में बी. मतलब इन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर किया कि बोनस शेयर और राइट शेयर के केस में 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि सर ओवरऑल वैल्यू या ओनरशिप उनकी चेंज नहीं होगी शेयर होल्डर की, वो वैसे के वैसे ही रहेगी, इसलिए 194 आर का इंप्लीकेशन नहीं आएगा. ये सीए वालों में ना 194 आर का इतना था, बट सीएमए वालों में भी ना 194 आर की कुछ बातें दी हुई है जो मेरे को लगता है एग्जाम्पल बड़े प्यारे दिए हुए हैं, जो एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है, चाहे सीए वालों के हो चाहे सीएमए वालों के, बहुत अच्छे हैं. तो देखो सर कुछ इनके भी क्लैरिफिकेशन जो है वो देखते हैं सर अच्छे एग्जाम्पल से. ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है, ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा है, इंपॉर्टेंट है सर. मैं तो सीए वालों के लिए और सीएमए वालों दोनों के लिए बोलूंगा इंपॉर्टेंट है. वेदर सेल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिबेट्स आर द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट. सेल डिस्काउंट जानते हो, कोई आदमी माल बेचता है वो डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट दे रहा है सर, रिबेट्स दे रहा है सर, तो क्या वो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट माना जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे पॉइंट है सर, ध्यान दो. सेल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिबेट अलाउड टू कस्टमर फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस रिप्रेजेंटेड लेसर रियलाइजेशन ऑफ द सेल प्राइस इटसेल्फ. ऑब्वियसली बात है सर, 100 रुपए का गुड्स है, अगर मैंने सर सेल डिस्काउंट 10% दिया तो मेरे को रियलाइज कितना होगा? 90. टू दैट एक्सटेंट परचेस प्राइस ऑफ द कस्टमर इज ऑल्सो रिड्यूस, परचेस प्राइस कम हो जाती है सर. लॉजिकली देर आर ऑल्सो बेनिफिट दो रिलेटेड टू सेल एंड परचेस. देखो सर ध्यान दो, लॉजिकली दिस आर ऑल्सो बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, इन लोग ये मना नहीं कर रहे हैं बेनिफिट्स नहीं है. भाई सामने वाले को तो फायदा मिला ना, 100 की चीज 90 में मिल गई उसको तो फायदा है. सिंस टीडीएस 194 आर इज एप्लीकेबल ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. हाउएवर ध्यान दो यहां से काम कर, हाउएवर इट इज सीन दैट Subjecting this to tax deduction would put seller to difficulty. इससे seller को दिक्कत होगी. To remove such difficulty, it is clarified that no tax is required to be deducted under section 194 on sale discount, cash discount, rebate allowed to customer. Very, very, very important. Exam के लिए important. आ सकता है सर exam में, definitely आ सकता है. और इन्होंने इस चीज को example से ही बताया, बहुत अच्छा लगा. देखो There could be another situation where the seller is selling items from its stock in trade to a buyer. अपने stock से सर buyer को माल बेच रहा है. The seller offered two items free with the purchase of 10 items. Oh-ho, ये तो market में बहुत चलता है सर, कि आप 10 चीजें खरीदो इसके साथ दो फ्री हो जाएगा, आप 20 खरीदो इसके साथ एक 5 फ्री हो जाएगा, ऐसा बहुत चलता है. कपड़ों में तो बहुत चलता है सर, बहुत चलता है. आप जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, कुटॉन्स करके ब्रांड, उसमें लिखा रहता है सर 2 कपड़े खरीदो नेक्स्ट 3 फ्री है. ऐसे बहुत बहुत है सर ब्रांड्स जो ये करते हैं. इन सब्सटेंस द सेलर इज एक्चुअली सेलिंग 12 आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ 10 आइटम्स. यस लेट अस अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ ईच आइटम इज 12 रुपीज. हर एक प्राइस की अगर हर एक आइटम की प्राइस कितनी हो गई? 12 रुपए. इन दिस केस The selling price for the seller would be 120 for 12 items. Sir, अगर वो 12 item बेचता तो 12 item का सर कितना charge कर लेता? 120. कैसे समझो? आप समझो. 10 item का वो सामने वाले से charge कर रहा है, 2 item free में दे रहा है. तो 10 item का 12 से multiply किया तो 120 हो गया. अब ये जो 120 है ये तो कहीं ना कहीं 12 का charge है ना सर, क्योंकि 10 plus 2 हो गया 12. सर को यहां पर जाना चाहिए क्योंकि ये 12 के चार्ज हो गए. आगे देखो, फॉर बायर ही हैज परचेस 12 आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ 10. जस्ट लाइक सेलर द परचेस प्राइस फॉर द बायर इज 120 फॉर 12 आइटम एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड सो इन हिज बुक्स. इन सच अ सिचुएशन अगेन देयर वुड बी डिफिकल्टी इन अप्लाइंग सेक्शन 194 आर प्रोविजन. हेंस
To remove difficulty, it is clarified that on the basis of the above fact, no tax is required to be deducted under Section 194R. मेरे हिसाब से important है, ये तो example ही important है सर, exam में आ सकता है. अगर आप इसको नहीं देख के रहोगे ना सर, तो होगा ये कि आपको फिर पता चला TDS में वहां जाके दिक्कत आ रही है कि सर 194R के questions ही नहीं बन रहे. कल के दिन फिर आपको परेशानी हो सकती है. मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको जरूर देख के जाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे देखो. हाउएवर इट इज क्लैरिफाइड दैट सिचुएशन इज डिफरेंट व्हेन फ्री सैंपल्स आर गिवन एंड द अबव रिलैक्सेशन वुड नॉट अप्लाई इन सिचुएशन ऑफ अ फ्री सैंपल्स. ओ भैया, फ्री सैंपल के केस में ये अप्लाई नहीं होगा. ये अप्लाई नहीं होगा मतलब सेक्शन 194R एप्लीकेबल हो जाएगा. ध्यान रखना सर इस चीज को. 194R एप्लीकेबल है ऑन द फ्री सैंपल्स. ठीक है, similarly this relaxation should not be extended to other benefits provided by the seller in connection with its sale. dekho this relaxation should not be extended example dekho, when a person is sponsor trip for the recipient, sponsor kar raha hai trip for a recipient and he is a relatives upon achieving certain targets. ye hota hai sir sale mein target, jaise aap kabhi sale department mein jaoge, इन केस कभी आप सेल वाले टीम में जाओगे काम करने, तो जो आपको टारगेट दिया गया अगर आप वो टारगेट अचीव करते हो तो एम्प्लॉयर आपको सर ट्रिप वगैरह स्पॉन्सर करता है, घूमने वगैरह भेजता है सर. ठीक है, सर्टन टारगेट्स और व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स फ्री टिकट फॉर एन इवेंट. ये भी हो सकता है सर, आपको टिकट वगैरह प्रोवाइड की जाए इवेंट्स वगैरह के, स्टैंड अप के, कोई कंसर्ट के. तो देखो, द रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर सेल्स डिस्काउंट एंड रिबेट इज ओनली ऑन दोज आइटम्स and should not be extended to others. मतलब ये आपको जो घूमने के लिए टिकट्स है या इवेंट के लिए कोई टिकट्स है, इन सब में सर बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड होगा, सेक्शन 194R एप्लीकेबल हो जाएगा. इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट दिस बेनिफिट ऑफ परकिसिट मे बी यूज बाय द ओनर डायरेक्टर एम्प्लॉई ऑफ द रिसिपिएंट एंटिटी और द रिलेटिव हु इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी मे नॉट बी कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और business or exercising a profession. However, the tax is required to be deducted by the person in name of the recipient entity. Since the use is by the owner director, कोई भी use करे आपको TDS काटना है. तो in short ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपको फटाफट crux करके बताता हूँ. ध्यान से सुनना, फटाफट crux बताता हूँ मैं आपको. इन्होंने बोला सर sales discount, cash discount, rebate, इस पर TDS नहीं होगा. फ्री सैंपल दोगे टीडीएस होगा सर. आपने ये स्पॉन्सर किया कोई ट्रिप वगैरह या इवेंट के टिकट्स वगैरह दी, इसमें टीडीएस है. इसमें टीडीएस नहीं है. अगर आप फ्री सैंपल्स वगैरह दे रहे हो तो इसमें भी टीडीएस है. ठीक है, फ्री सैंपल्स वगैरह दोगे तो इसमें भी टीडीएस है. इन बातों को ध्यान रखेंगे सर. आई बात मेरी समझ? ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, बहुत प्यारी चीजें हैं. मेरे हिसाब से एक बार सुन के जाना अच्छा रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा. ठीक है, ये देखो इलस्ट्रेट, इन्होंने इलस्ट्रेट किया सर. फ्री मेडिसिन सैंपल्स, आपको ही पता है सर डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है फ्री मेडिसिन सैंपल्स बाय कंपनीज. देखो सर, फ्री मेडिसिन सैंपल मे बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू अ डॉक्टर हु इज एन एम्प्लॉई ऑफ अ हॉस्पिटल. लो भाई, एम्प्लॉई ऑफ अ हॉस्पिटल. द टीडीएस अंडर 194R इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द कंपनी इन द हैंड्स ऑफ द हॉस्पिटल एज द बेनिफिट परकिसिट इज प्रोवाइडेड टू द डॉक्टर ऑन अकाउंट ऑफ हिम बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ द हॉस्पिटल. ऑब्वियसली बात है सर, सरकार ने बोला फ्री सैंपल्स को हम छोड़ते ही नहीं है सर. Thus in substance the benefit of perquisite is required to be is provided to the hospital. The hospital may subsequently treat this benefit of perquisite as a perquisite given to its employee under section 17 and deduct TDS under 192. इन्होंने बोला सर हॉस्पिटल वाले ये इस जो फ्री सैंपल्स वगैरह दे रहे हैं इसको ये परक्विजिट भी ट्रीट कर सकते हैं और परक्विजिट ट्रीट करके सेक्शन 192 भी इंप्लाई कर सकते हैं. इन सच अ केस इट वुड बी फर्स्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द हॉस्पिटल एंड देन विल बी अलाउड एज डिडक्शन एज सैलरी एक्सपेंडिचर. थस अल्टीमेटली द अमाउंट वुड गेट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ द हॉस्पिटल. ऑब्वियसली बात है सर, एम्प्लॉई को मिल रहा है तो उसी के हाथ में तो टीडीएस कटेगा ना सर. इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20,000 इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सीन. मतलब भैया थ्रेशोल्ड लिमिट तो अभी भी चेक करना है, कहीं ये मत हो जाए कि फ्री सैंपल एक रुपए का भी दिया तो आपने टीडीएस काट दिया. नहीं, 20,000 की लिमिट अभी भी जिंदा है सर. सिमिलरली द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194R इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज प्रोवाइडेड टू अ डॉक्टर हु इज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट. अभी यहां पर एम्प्लॉईज था, अब यहां पर कंसल्टेंट हो गया तो भी 194R का इंप्लीकेशन है सर.
In this case, the benefit of perquisite provided may deduct TDS under 194R with the hospital as recipient, and then hospital may deduct under section 194R for providing the same benefit of perquisite to the consultant. Simple सी बात है. कोई अगर hospital को provide करेगा ये benefits वगैरह, तो hospital का TDS कट जाएगा. Hospital जब यही चीज doctors को provide करेगा, तो sir वो doctor का TDS काट देगा. यही बोल रहा है sir. देखो, to remove difficulty as an alternative, the original benefit of perquisite provided may directly deduct under 194R in case of the consultant. चाहे तो वो directly भी deduct कर सकते हैं. मतलब अगर कोई outsider company है जो क्या बोलते हैं hospital को provide कर रही है, तो वो hospital का TDS ना deduct करके जो doctor है जो consult कर रहा है directly उसी का TDS भी deduct कर सकते हैं. ये direct matter भी हो सकता है. ठीक है. The provision of section 194R of the act shall not apply if the benefit of perquisite is being provided to the गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉट कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन. सर इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा 194R. ये हम पहले भी पढ़े. वैल्यूएशन हमने अभी पढ़ लिया सर, कैसे वैल्यू करना है, ये वैल्यू करने का तरीका हमने पढ़ लिया. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाली चीज मैंने आपको बता दिया. इसके बाद देखो, वेदर रीइंबर्समेंट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, ये भी देखो सर, ये बड़ा मजेदार. रीइंबर्समेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर इन द कोर्स ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज इज बेनिफिट ऑफ परक्विजिट. देखो सर, एनी एक्सपेंडिचर which is a liability of a person carrying out business or profession, if met by the other person, is in effect benefit of perquisite provided by the second person to the first person in the course of business or profession. Samjhata hu. Dhyan do. Koi cheez jiski zimmedari Vardhman sir ki thi, Vardhman sir ke badle ye kaam Mr. X karke de raha hai apne jeb se. Theek hai, wo apne jeb se Vardhman sir ke liye karke de raha hai. तो बात ये हो रही है कि जो मिस्टर एक्स वर्धमान सर के लिए करके दे रहा है, क्या ये बेनिफिट या परक्विजिट है? क्योंकि अगर आप इसे बेनिफिट या परक्विजिट बोलोगे तो सर बात आएगी 194R की. अगर आप इसे बोलोगे सर बेनिफिट या परक्विजिट नहीं है, तो 194R का इम्प्लीकेशन ही नहीं है. देखो एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया इन्होंने. देखो, लेट अस अज्यूम दैट अ कंसल्टेंट इज रेंडरिंग सर्विसेज टू मिस्टर एक्स. मान लो सर वर्धमान सर एक्स कंसल्टेंट वो रेंडर कर रहे सर्विसेज मिस्टर एक्स को, फॉर विच ही इज रिसीविंग कंसल्टेंसी फीस. मैं कंसल्टेंसी फीस रिसीव कर रहा हूँ. इन द कोर्स ऑफ रेंडरिंग दैट सर्विसेज ही हैज टू ट्रेवल डिफरेंट सिटी फ्रॉम द प्लेस वेयर इज रेगुलरली कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड प्रोफेशन. मान लो मेरा क्लाइंट है, उस क्लाइंट के ऑफिस पूरे इंडिया में अलग अलग जगह है, तो मुझे ट्रेवल भी करना पड़ रहा है कि उसके ऑफिस जाके मैं चेक कर सकूँ, देख सकूँ, तब तो उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर पाऊंगा. For this purpose, he pays for boarding and lodging expenses incurred exclusively for the purpose of rendering the services to Mr. X. ठीक है, अब घूमने फिरने जाने आने के लिए वर्धमान सर को बोर्डिंग और लॉजिंग के खर्चे लग रहे हैं. ठीक है. Ordinarily, the expenditure incurred by the consultant is a part of his business expenditure. ये जो बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा वर्धमान सर कर रहे हैं अपने क्लाइंट के डिफरेंट लोकेशन में जाने के लिए, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है. ठीक है, विच इज डिडक्टेबल फ्रॉम द फी That he receives from Mr. X, जो Mr. X से receive करूंगा मैं income, उसमें से जो भी expenses मेरा boarding lodging का लगा है वो सब मैं deduct कर दूंगा. In such a case, the fee received by the consultant in his income and the expenditure incurred on the travel in his expenditure deductible from such income in computing the total income. Obvious बात है, हम जन्मों से यही करते हैं, जो मेरे को fees मिली, जो मेरा खर्चा लगा उसको minus किया और minus करके final income निकाला. Now If this travel expenditure is made by the company X, बवाल तो यही हो रहा है सर. अब दिक्कत तो यही आती है सर. अभी तक खर्चे मैं कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी. अब साला खर्चा ये हो रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जिसके लिए कंसल्टेंसी दे रहा हूं ना, वो आदमी मेरे लिए खर्चा कर रहा है. वो मेरे लिए प्लेन, बोर्डिंग, लॉजिंग सब चीज का खर्चा वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं सर. ठीक है, अब अगर वो करता है तो बात ये होती है, इज इट बेनिफिट? क्या मिस्टर एक्स मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है सर? वर्धमान सर एज ए कंसल्टेंट क्या मुझे ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? तो ध्यान दो. हाउएवर समटाइम द इनवॉइस इज ऑब्टेन इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स एंड अकॉर्डिंगली इफ पेड बाय द कंसल्टेंट इट इज रीइंबर्स्ड बाय मिस्टर एक्स. यही होता है सर, इनवॉइस एक्स के नाम पे. मान लो अगर मैंने पे कर दिया तो सामने वाले जिसको मैंने कंसल्टेंसी दी है एक्स को, एक्स बोला भाई अभी तू पे कर दिया ना, मैं तेरे को ये खर्चा रीइंबर्स कर दूंगा. इन दिस केस सिंस द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसल्टेंट फॉर विच रीइंबर्समेंट इज मेड is incurred wholly and exclusively for the purpose of rendering services to X and the invoice in the name of X, then the reimbursement made by X being the service recipient will not be considered as benefit and perquisite.
कोई बेनिफिट और परक्विजिट माना ही नहीं जाएगा, माना भी नहीं जाना चाहिए। आप एक बात समझो सर, मैं खर्चा करता हूं, ध्यान से सुनो ठीक है, एक्स ने बिल वगैरह बनवाया, वो बिल बनवा दिया, मैं वहां पर पेमेंट कर दिया, एक्स बोला भाई अभी तू पेमेंट कर दे मैं तेरे को ये पैसा वापस कर दूंगा। सर अगर एक्स मुझे ये वापस कर देता है, रीइंबर्स करता है, तो इस केस में सर मेरे लिए क्या बेनिफिट हुआ? मेरे जेब का खर्चा था, मैंने किसी को 10 रुपए दिया, एक्स से मुझे 10 मिल गया, तो ये मेरे लिए बेनिफिट ऑफ पॉकेट कैसे हुआ? ये तो जो मेरा खर्चा था ये मेरे खर्चे का पैसा वापस मिला है, वही तो बोल रहा है सर। विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बेनिफिट ऑफ पॉकेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194R If the invoice is not in the name of X, X के नाम पे invoice नहीं है जिसको मैं consultancy दे रहा हूँ, and the payment is made by X directly or reimbursed, it is benefit or perquisite provided by X, मजेदार है सर, to the consultant for which the deduction is required to be made under section 194R. Simple समझो, एकदम simple समझो। वर्धमान सर X, वर्धमान सर ने X को consultancy दी। अब बात यह है सर, नॉर्मली मार्केट में पूरा समझाता हूँ ध्यान से सुनना, नॉर्मली ये होता है कि वर्धमान सर कंसल्टेंसी दिए, कंसल्टेंसी के लिए वर्धमान सर एक्स के अलग अलग एरिया में विजिट कर रहे हैं, खुद खर्चा कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है सरकार बोली इसमें कोई टीडीएस की बात ही नहीं आती है, जितनी इनकम उसमें से जो भी वर्धमान सर ने घूम घूम के खर्चे किए वो माइनस करो, उनकी फाइनल इनकम दिख जाएगी, ये आम जिंदगी है। अब मेंटोर जिंदगी ये हो रही है सर कि वर्धमान सर ध्यान से सुनना एक्स को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, अब एक्स को कंसल्टेंसी देने के लिए इधर उधर अलग अलग जगह जा रहे हैं, बोर्डिंग और लॉजिंग वगैरह के खर्चे हो रहे हैं। अब इस केस में सर एक्स अपने नाम पे बिल बनवाता है, एक्स अपने नाम पे बिल बनवाता है, वर्धमान सर ये पैसा खर्चा कर देते हैं, बिलिंग एक्स ने अपने नाम पे की, पेमेंट वर्धमान सर ने की, ध्यान दो सर पहला केस है ना, पेमेंट वर्धमान सर ने की, एक्स ने रीइंबर्स कर दिया, ठीक है रीइंबर्स किया किसको? वर्धमान सर को। सरकार बोली इसमें 194R का इम्प्लीकेशन नहीं है, ये पहला केस। दूसरा केस, वर्धमान सर मिस्टर एक्स, ध्यान दो वर्धमान सर मिस्टर एक्स को वही कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस केस में बिलिंग जो है, अरे यार इस केस में जो बिलिंग है वो बिलिंग किसके नाम पे है? वर्धमान सर के नाम पे, ठीक है, और मिस्टर एक्स जो है ना ये वर्धमान सर को रीइंबर्स कर रहा है खर्चे, या मिस्टर एक्स ना डायरेक्टली पे कर रहा है, समझो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, आराम से समझ आएगा, ध्यान देना समझ आएगा। वर्धमान सर जाके होटल में रुके, ठीक है, अब ये वर्धमान सर जो होटल में रुके, इस होटल की जब बिल की बात आई तो बिल ना वर्धमान सर के नाम पे बना। अब दो बातें हैं, पहला केस एक्स ने डायरेक्टली होटल को पे कर दिया, बिल किसके नाम पे था? वर्धमान सर के नाम पे था, एक्स ने होटल को पे कर दिया, या फिर ये पहला केस, और या फिर एक्स ने क्या किया वर्धमान सर को रीइंबर्स कर दिया कि जो भी वर्धमान सर अपना बिल बनवाए थे अपने नाम पे उसका जो पेमेंट किए, इस केस में सेक्शन 194R का इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, जो पैसा बिलिंग जो मेरे नाम पे बनी थी मुझे देना चाहिए था, मेरे बदले एक्स डायरेक्टली दे रहा है, तो मुझे इससे फायदा पहुंचा, और जो फायदा पहुंचा उस पे 194R का इम्प्लीकेशन है, समझ आया? बट आप बोलोगे सर इसमें क्या अंतर था दूसरे वाले केस में, यहां पर तो सर बिल ही किसके नाम पे था? एक्स के नाम पे था, बिल ही एक्स के नाम पे था, सर मैंने पे कर दिया था या एक्स ने पे कर दिया, तो उस केस में 194R का इम्प्लीकेशन नहीं था। ये दोनों मैंने आपको लिख के एग्जाम्पल के साथ समझाया ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है आई बात समझ। अब देखो इन्होंने जीएसटी के रिस्पेक्ट में भी इस मैटर को देखा सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सर। जीएसटी में हम प्योर एजेंट का कंसेप्ट समझते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा दिया है, इसमें इन्होंने बताया कि प्योर एजेंट कौन होता है, हर एक स्टूडेंट प्योर एजेंट के बारे में प्रैक्टिकली पढ़ता ही है सर, ये पूरा प्योर एजेंट के बारे में इन्होंने समझाया सर कि प्योर एजेंट कौन होता है, ये वो सब चीजें बताइए, ठीक है। अब देखो ये पूरा जीएसटी में हम प्योर एजेंट के बारे में पढ़ते हैं सर सब चीजें। अब बात कहां पर आती है, यहां पर, यहां से पढ़ो यहां से काम कर सर, ठीक है। इसको यहां से टिक कर लेते हैं,
amount incurred by such pure agent for which he is reimbursed by the recipient will not be treated as benefit and perquisite for the purpose of section 194R. इन्होंने बोला सर अगर कोई प्योर एजेंट है जो रेसिपिएंट के बिहाफ में पे कर रहा है, प्योर एजेंट जिसका काम सिर्फ एज एन एजेंट काम करना है, अगर वो रेसिपिएंट से पैसे रीइंबर्स ले रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो सरकार बोलती है उस केस में 194R का इंप्लीकेशन नहीं है, कोई बेनिफिट और परक्विजिट नहीं माना जाएगा. हाउएवर इफ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस रीइंबर्समेंट आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन द बिल ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन दिस other than section 194R, in accordance with this, it is clarified that there will be no further liability for deduction under 194R. इन्होंने बोला सर अगर प्योर एजेंट ठीक है पॉकेट एक्सपेंस जो उसको मिला है उस पॉकेट एक्सपेंस के नाम पे अगर कोई दूसरी जगह पे उसका TDS कट गया है तो उस केस में 194R पे आके दोबारा उसका TDS नहीं कटेगा. तो आपको एग्जाम पर्पज के लिए सिंपल इतना याद रखना है सर कि प्योर एजेंट के केस में TDS का इंप्लीकेशन नहीं आता 194R का. ये एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रखने वाली बात ठीक है. ये छोटा सा सिंपल ही याद रखोगे तो काफी है. आगे देखो इफ देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इज इट अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट. ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है. ये सीए वालों में कवर नहीं किया बट ये मैटर अच्छा है सर कि सर कई बार डीलर्स मीट होती है जहां पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, प्रोडक्ट क्या है कैसा है बताया जाता है सर, तो वहां बैठा के खिलाया पिलाया सब जाता है सर. The expenditure pertaining to the dealer business conference would not be considered as benefit and perquisite for the purpose of section 194R in a case where the dealer or business conference is held for the prime object to educate dealer or customer about any of the following or similar aspect. Sir, अब अगर in matter से related है तो benefit of perquisite नहीं है, but in matter के अलावा कोई और matter रहा तो benefit of perquisite हो जाएगा sir. ठीक है, फिर 194R का implication आ जाएगा. However, such conference must not be in the nature of incentive or benefit to select dealer customer who have achieved particular target. अगर आपने meeting इसलिए बुलाई है कि कोई dealer था जो आपका target achieve कर लिया, उस target achieve करने पे आप उसे extra पैसा देने वाले हो, अगर इस purpose के लिए आपने meeting set की है तो सरकार बोलती भी है 194R का implication है. Further, in the following cases, the expenditure would be considered as a benefit or perquisite. Would be considered. माना जाएगा सर और उसमें 194R का implication आ जाएगा. देखो मेरे हिसाब से please important यही तो question बनेगा, यही तो question बनेगा, इन्हीं को तो दे के question बनाएगा. इनमें 194R का implication नहीं है, इनमें 194R का implication है, इसी से तो question बनेगा सर. देखो expenses attributable to leisure trip और लाइजर कंपोनेंट इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस. लाइजर ट्रिप वगैरह हुई, सरकार ने बोला भैया 194R का इंप्लीकेशन. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स अकंपनिंग द पर्सन अटेंडिंग डीलर, फैमिली मेंबर्स को भी लेके आ रहे हो उसमें भी सरकार ने बोला 194R का इंप्लीकेशन. एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट ऑफ द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर डेज विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और ओवर स्टे बियॉन्ड द डेट्स ऑफ सच कॉन्फ्रेंस. सर एक्स्ट्रा रुकवा रहे हैं या पहले बुला के रुकवा रहे हैं, उस केस में भी जितना एक्स्ट्रा रुकवाने का या जितना पहले रुकवाने का जो भी खर्चा होगा उसमें 194R का इंप्लीकेशन आ जाएगा. इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डीलर आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वाइटेड. जरूरी नहीं है पूरे डीलर इन्वाइटेड हो सर इन अ डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर द एक्सपेंसिस टू बी not considered as benefit or perquisite for the purpose of tax deduction. ठीक, not necessary. सबको बुलाएं जरूरी नहीं है सर. Expenditure on participant of dealer या business for days which are on account or overstay to the date of conference or beyond the date of such conference would be considered as benefit or perquisite. However, a day immediately prior to the actual start day of the conference and a day immediately following the date of conference would not be considered. मतलब समझो 15 तारीख को कॉन्फ्रेंस है, आज कॉन्फ्रेंस है तो 14 और 16 ये दो डेट 194R के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सिंपल ठीक है. आगे देखो फर्दर देयर मे बी एन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग सच डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस व्हिच नीड टू बी क्लासिफाइड एज बिजनेस बेनिफिट और परक्विजिट एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर 194 ऑफ द एक्ट. हाउएवर there may be a practical difficulty in identifying such benefit or perquisite to actual recipient due to the fact there is a group activity. obviously baat hai sir, aap khana sabko khila rahe ho to benefit or perquisite ki value determine kaise karoge sir, and reasonable allocation is not possible.
non-compliance of the provision of 194R of the Act in such a case would not result in disallowance. अरे वाह, अगर याद है सर, सेक्शन 40 पढ़ते हैं सर अपन. सेक्शन 40 में हम ये बोलते हैं सर, जहां आप कोई any payment made to resident, जिसमें अगर आपने TDS नहीं काटा, तो सेक्शन 40 बोलता है अगर आप TDS नहीं काटते तो वो एक्सपेंस हम डिसअलाउ कर देंगे. सरकार बोलती भैया सुनो, जहां पर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट दिया तो जा रहा है, बट वहां पर सर बेनिफिट ऑफ परक्विजिट कितना है एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है. उस केस में अगर 194R में TDS डिडक्ट नहीं भी हुआ तो आप सेक्शन 40 में PGEP में डिसअलाउ नहीं करना, ठीक है. बट ऑल्सो में रिजल्ट इन ट्रीटिंग द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडर एज एन एसेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है, विथ ऑल अदर कॉन्सिक्वेंसेज. आप एसेसी इन डिफॉल्ट हो सकते हो विथ ऑल अदर कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है. तो सेक्शन 40, आप सेक्शन 40 में टीडीएस नहीं काटते तो एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाते हैं. ऑल वी आर टीडीएस नहीं डिडक्ट करते, नहीं काटते, तो सेक्शन 40 में डिसअलाउ. उसके बाद सर और भी अदर कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह का कॉन्सिक्वेंसेज आ जाता है, फी का कॉन्सिक्वेंसेज आ जाता है, पेनल्टी का कॉन्सिक्वेंसेज आ जाता है, ठीक है. इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, अब डिफिकल्टी है तो इसको रिमूव कैसे कर रहे हैं, देखो. इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज प्रोवाइडेड इन अ ग्रुप एक्टिविटी in a manner that is difficult to match such benefit of perquisite to each participant using a reasonable allocation key, the benefit of perquisite provider may at his option not claim the expense. Aap expense hi claim mat karo. Ek number, theek hai, representing such benefit of perquisite as deductible expenditure for calculating his total income. If he decide to opt so, he will not be required to deduct tax. Obvious hi baat hai sir, ऑब्वियस ही बात है. अगर मैं एक्सपेंस क्लेम ही नहीं कर रहा हूं तो सरकार बोलती है इससे हमारा कोई नुकसान ही नहीं है. और अगर इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है तो तुम टीडीएस नहीं भी काटोगे तो हम तुझे कुछ नहीं बोलेंगे. तो भैया अगर मैं एक्सपेंस नहीं क्लेम कर रहा तो मेरा तो नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, टैक्स ज्यादा दिखेगा, तो सर उस केस में सरकार का क्या लॉस है? सरकार को कोई लॉस नहीं है सर, ठीक है. बड़े प्यार से बोलते हैं उस केस में हम आपको एसएससी इन डिफॉल्ट भी नहीं बोलेंगे, थैंक यू. दस इन सच ए केस ही मस्ट ऐड बैक एन एक्सपेंडिचर. आप एक्सपेंडिचर ऐड बैक कर लो जो आप पहले डेबिट किए होंगे. आगे देखो, सेक्शन 194R प्रोवाइड्स दैट इफ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज इन काइंड और पार्टली इन काइंड कैश. ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके सर, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया. 8 वाला पॉइंट मैं अभी सी वालों में से कवर कर लिया था. देखो, वेदर एम्बेसी और हाई कमिश्नर आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर 194R, इनके लिए भी क्या टीडीएस का इंप्लीकेशन है. फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट 194R इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट प्रोवाइडेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन द स्कोप ऑफ यूनाइटेड नेशन. इनको बाहर रखा है इन्होंने, ठीक है. International organizations whose income is exempt, इनको बाहर रखे सर. तो हाई कमीशन, लेजिस्लेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, इनको बाहर रखा है सर, ठीक. ये बोनस और राइट शेयर वाला पॉइंट अपन ने पहले ही कवर कर लिया. लोन सेटलमेंट और बिहेवियर बाय बैंक मैंने ये पहले ही कवर करा दिया. ये 194R का कंप्लीट इम्प्लीकेशन मैंने आपको समझाया सर, बहुत गजब पॉइंट्स है. मैं ये PDF टेलीग्राम में शेयर करूंगा. मैं आपसे हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज एक बार देख के जाना. अच्छी PDF है, अच्छे पॉइंट्स है, अच्छे क्लैरिफिकेशन है, आने के बेहद चांसेस है. अगर आप नहीं देख के जाओगे तो ग्रेट लॉस. क्वेश्चन बनेगा फिर आपको लगेगा सर कहां से क्वेश्चन आया, 194R का समझ ही नहीं आया, हम बना ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी नया सेक्शन है तो अभी इसके इतने क्वेश्चंस नहीं है. बट अगर इतने सारे क्लैरिफिकेशन है तो इन्हीं क्लैरिफिकेशन में से ही कोई क्वेश्चंस बनने वाले हैं. ये तो इंटर और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है, ठीक है. आई होप आप इसको फ्रेंड्स तक शेयर करोगे और सर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है. चलो, थैंक यू फ्रेंड्स.